Welcome to Time News Studios. You are watching 11 p.m. Bulletin. सिंध में कोरोना वबा से जब्तो अचान बाद सूरत हाल मामूल से अचान लगी। सिंध सरकार रेस्टोरेंट्स, कैफे, सिनेमा घर, बिजनेस सेंटर्स, एक्सपो सेंटर्स, ब्यूटी पार्लर्स और बियों कारोबारी सरगर्मियों एसओपीज तहत चूमर का बहाल करने फैसलो करे वरतो। तालीमी इदारा, शादी हॉल्स और दरगाहों 15 सेप्टेम्बर का खोलने का फैसलो। सूबाई वजीर सईद गनी है तो कोरोना केसिस वधण की सूरत में फैसले से नजरसानी कई वेंदी, वॾनि पार्क से पाबंदी बरकरार रहंदी। बलोचिस्तान में भी कारोबारी सरगर्मियों मुकम्मल तौर बहाल करने का ऐलान। घरू खाते जो चवण है तो कारोबारी मरकज 24 कलाक ए पूरो हफ्तो खोलने की इजाजत दिनी वही है। हर किस्म की पाबंदी खत्म कई वही है। पंध जो पत्थर जगह सजा खजी वन बाकी खाली भित रही है। कोठ जो आ केटी का वठी ए सिमायल केटी वसण केटी किंदो मुरी तो बबर ताई यो कोई हो नुकसान न जे पेट में आ दिल माए पानीया मुसीबता कुछ माल लुढ़ी विया फेर ब मदारत वारो कोन आयो ना हुकूमत में कुछ कोन आयो बाबा कुछ मदारत करायो। खीठ की जावलू पट्टी से तेज बरसातों का पे नए गाज में चाढ़ बाद काछे में बोट जड़ी सूरत हाल 150 गोठन के घेरण बाद नए गाज में पानी की सतह घटजन लगी। गोठाना हयातियों बचाने लाए वणन से चढ़ी वया। बचाव बंद से दबाव बरकरार। बंद के स्केप में पानी तेजी से वहन लगो। भर पासे जा 11 गोठ खाली करने की वार्निंग जारी। गोठाना पैंजी मदद पान तहत महफूज हंध मुंतकिल थे लगा। बंद जा कमजोर हिस्सा मजबूत करने जो कोशिशों जारी। पाक फौज जो टीमों भी मौजूद। खीरथ की जावलू पट्टी से तेज बरसात का पे नए गाज से गड नेंग नई नली में भी पानी की सतह में खतरनाक चाढ़। जोही वाही पांदी रोड मुख्तलिफ हंधन तां टुटी वो। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल जोही में पानी की सूरत हाल जो जायजा वठण बाद काछे में फाथल मानून के बाहर कढ़ने लाए हेलीकॉप्टर घुराए वो है। मुतासर के राशन सूदो बियों शयू मुहैया कई वेंद। तूफानी बरसातों बलोचिस्तान में तबाही मचाए छी। मस्तों, खुशदार, नौशकी, हरनाई और बेन शहर में बोर्ड के वैकरन में केतरो ही चौपायो माल लुड़ी वो। मुख्तलिफ वाक्य में 3 जणा फौत। शदीद बरसात सबब केतरन ही गोठन जो जमीनी राबतों कटजी वो। मकरान कोस्टल हाईवे से 30 फुट वेकरो खड़ो पेजी वो। कोहलू की सोनारी पुल लुड़ी वन सबब कोहलू जो सिबी और कोयटा से जमीनी राबतों कटजी वो। बोलान दरिया में चाड़ का पे पुल भजी पी। कोयटा वेंदड़ केतरा ही मुसाफिर रस्ते में फाथल। सिंध के मुख्तलिफ इलाकन में 3 दिन भी किथे तेज त किथे वरी हल्की बरसात। बरसात का पे हेठाएं वारन इलाकन में पानी बीजी वो। कराची में 3 दिन दौरान सब का वधीक बरसात। फैसल बेस में 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सजानी टाउन में 154, गुलशन हदीद में 148 और सदर में 141 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड। शहदादकोट में तेज बरसात का पे पानी रस्तन घिटिन में बीजी वो। केतरा ही इलाका पानी के तलाव में तब्दील। घोटकी, कशमोर, कंबर, लाड़काणो, शहीद भी नजीराबाद, जाम शुरो और बेन जिलों में भी बरसात। मौसमियात खाते है तो चौमासे की बरसात जो सिस्टम अज रात का कमजोर की वो। अभी कोरोना से निकल के और बारिश में बच गए, अब करें क्या करें, कहां जाएं, किसको पुकारें, किसको बोलें।
सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में बरसात हुकूमती इदारों की कारकर्दगी जा पोल पधरा कर छाया। कराची में बरसात का कोरंगी काजवे पानी हेठ अची वो। गवर्नर हाउस के चौधारी बीठल पानी निकाल न थियण सबब शहरी परेशान। सदर जी बोहरी बाजार में बरसाती पानी बीच वो। इंतजामिया पानी निकाल कर कख बनी बीड़ो न कर। सखर में बरसात का गरम गोदी पुरानी सखर और कुरेशी गोठ सूदो बन इलाकों में पानी बीज वो। बल्दियाती इदारा बरसाती पानी निकाल कर मिनाकांग। लाड़काने में बरसात इंतजामिया की पतवाखी कर छी। शहर के मुख्य रस्तन पाड़न में पानी बीजी वन सबब शहरी मिट्टी असाब में मुब्तला। दादू में बरसात का घट नाला उथली पाया। बल्दियाती इदारा पानी निकाल कर मिनाकांग। भानसे इदाबाद शहर के मुख्य रस्तन घिटिन में बीठल बरसाती पानी निकाल न थो। शहरी मिट्टी असाब में मुब्तला। सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़न में टे ढी भी बरसात दौरान हादसों वाक़ के नतीजे में छह जणा फौत दह का जख्मी। नॉर्थ कराची और इतिहाद टाउन में करंट लगन के धारधार वाक़ में नींगर सूदो ब जणा फौत। लियारी में घर की छित किरण सबब ब जणा दबजी फौत एक जख्मी। थाणो बुला खान भरसा बारेजा गोठ में घर की छित किरण सबब नौजवान थुअर बारेजो दबजी फौत। औरतों ने बारन सूदो पंज जणा मरणी। सीता रोड भरसा गोठ मजावर में घर की छित किरण सबब नींगरी दम वेही छो। मीरवा गोचाणी भरसा गोठ खंबड़ी में करंट लगन सबब पीरसन फौत। मिर्जापुर भरसा बरसात दौरान घर की भित किरण सबब नींगर जफरुल्ला जुड़े जो फौत। छाछरो में बरसात दौरान विज किरण के नतीजे में नौजवान जे राम भीर मरणी छह ढोर मरी वह। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खानदान की का भी सियासत ना है। जिम्मेवारी से चवान तो संदन खिलाफ केस संजीदा है। वफाकी वजीर शेख रशीद है तो वजीर आजम इमरान खान के अदालतों सादिक अमीन जो सर्टिफिकेट दई छो है। आऊँ नो समझा तो पीटीआई जो वजीर करप्शन कर रहा है। हाँ बुधा तो ओपोजिशन की एपीसी केदा वही। मरमल हराम में अस ट्रेन्स ना हलए सकूँ तो ओपोजिशन वारा तहरीक कि हलाइंदा। नवाज शरीफ डेह वापस न पो अचे। कराची की सूरत हाल से शेख रशीद तो इो भी वक्त अचणो हो जो कराची जा नाला वफाक साफ कराइंद। यह गाल कें भी हुकूमत ला सुठो सवण ना है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान शेख रशीद तो ML1 मनसूबे जा 30 अगस्त का अग टेंडर जारी किया वा। मनसूबे में को भी फाटक न हों। ख्वाहिश है तो चीनी सदर ML1 जो इफ्तिताह करे। मनसूबे से 2 लाख मानुन के रोजगार मिल। पार्कलैंड रेफरेंस में आसिफ जरदारी के फर्द जुर्म लागू करने ला बिलावल हाउस कराची में स्काइप का इंतजाम किया वन। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत रजिस्ट्रार नैब इख्तियार के खत लिखी छोड़ो। खत में चबो है तो आसिफ जरदारी की सुणप यकीनी बढ़ाने ला नुमाइंदो मुकर वे। नैब कराची से गड़ी वीडियो लिंक का इंतजाम किया वन। रेफरेंस में नामजद जवाबदार अनवर मजीद लाए भी अस्पताल में वीडियो लिंक का इंतजाम कर हिदायत। पनवाकिल वेझो मोहम्मदपुर वाले इलाके में 7 साल की नींगरी से मुबैना तौर ज्याती की कोशिश। निजी स्कूल के उस्ताद से इल्ज़ाम। बासर धुरियों मामलो राजनी जरिए निबेरण ला कोशिशों में रुधल। उस्ताद कदीर अब्बासी ज्याती का इल्ज़ाम रद्द कदे मौकफ़ इख्तियार किया है तो मदसकारें जो कूड़ो इल्ज़ाम मड़े पे वे। पुलिस चवणा है तो मुतासिर धुर थाने से ना आई। बाकी उस्ताद फोन कर तहफ़ की घुर कई जाँच कई पी वे। सखर पुलिस पारा सदोजा के कच्चे में डोहारन खिलाफ हलंदड़ ऑपरेशन दौरान एक मुगवी के बाजियाब कराने की दावा। SSP सखर मूजिब मुगवी नसरुल्ला शेख के बाजियाब कराया वो। इलाके में मुगवी की बाजियाबी भुंग एवज अमल में अचण जा चो बोल। सिंध में कोरोना वधीक 3 मरीजन जो हयातियों गड़काए वो। 309 केस जाहिर थियण बाद सूबे में वायरस अटेलन जो अंग वधी 1,23,546 थी वो। वडे वजीर मुराद अली शाह कोरोना जा नवा अंग खर जारी कर है तो कराची में 201 नवा केस जाहिर थिया। हैदराबाद में 9, ठठो में 8, बदीन और दादू में 7-7 जणा वायरस जो शिकार। लाड़काणो में 6 नवा केस जाहिर थिया। अल मंजर जहाँ वाकई मंजर इतने रौनकू बहार मौसम खुशगवार पूंद पो अल मंजर तो। अल मंजर जो मंजर है ना शायद दिसण वटा है। तमाम घनी खुशी है असान जिले में अड़ा
बेहतरीन जेके सो मनाजर आयन जेके मानू डिसन पिया तमाम घणी डिप्रेशन मानू घर में वही डाडा तंग थिया तपो मसाला बरसात सुठी पया इंजे मौके ते असा हैदराबाद आ हैदराबाद का बाद में पोथा अलमंदर जो रुख करे तमाम बेहतरीन मंजर है ते जो सिंध में बरसात शहरन तफरी मागन ते पहुंची मौसम जो भरपूर मजो वरतो जाम शोर जल मंजर वट मीहोगी ए झुड़ाली मुंद जो मजो वठन ला शहरन जी रश औरतन ए बारन सूधो वडे अंग में माहुन बेड़न ते सवारी करण सा गड लजीज तामन जो भी मजो माणियो दादू मोरो पुल बे बरसाती मुंद में तफरी जो मरकज बनल रही मिट्टी जे गडी भिट ते बे शहरन भरपूर एंजॉय कयो तमाम मानू खुश हैं इंजॉय कर आया तकरीबन दादू इतने सजो जो अचे पोतो आ नौजवान ढी इंजॉय पा कन गवर्नमेंट के तरफा का भी अड़ी जो सो पिकनिक पॉइंट को या कड़ी सहूलतू को अलासे कर खेर की बरसात पवे अस दादू में गर्मी घड़ी घड़ी आ दादू शहर में भी का भी विजिटिंग पॉइंट को दादू जहाँ शहर दिसो किथा का निकी आया कुछ मोरे के पास जान इतना जान कोरोना के कर सफा बंद लगा वेठा बेचार मे मस मस मौको मिलो का इंजॉयमेंट की जाई कान अस मोरे पुल का सवा बो का अस ही को दादू में कड़ो पारक है वो आए मैनचेस्टर टेस्ट की पहली मैच में इंग्लैंड पाकिस्तान के शिकस्त दे छी इंग्लैंड सत विकेट से नुकसान से 277 रन्स हदफ पूरा किया क्रिस वॉक्स 80 ए जॉस बटलर 75 रन्स चाहे टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन टाइम न्यूज़ से गड आऊं हां ताहिरा वजीर हेडलाइंस हवा रखियूं तफ़सीली खबरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ